डॉक्टर बीना कौशिक, SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, पार्ट 5। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये भारत के विशाल भूभाग क्षेत्र में फैली हुई थी और इस सभ्यता ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की थी, जिसके अंतर्गत हम देखें तो उसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन से हमें सामग्री मिली है उनसे हमें पता चलता है कि आर्थिक क्षेत्र में इसने उन्नति की थी। सामाजिक स्तर यहाँ के लोगों का उन्नतशील था, राजनीतिक व्यवस्था कायम थी, विभिन्न उद्योग धंधे यहाँ पनपे हुए थे और उन सब की इनको जानकारी थी। आज अपन करेंगे कि कला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या उन्नति की है। कला के क्षेत्र में हम देखें तो मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्र कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, ताम्रपत्र निर्माण कला, धातु कला, लेखन कला, काष्ठ कला, संगीत कला आदि के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इन लोगों ने उन्नति की थी। उत्खनन द्वारा हमें मिट्टी, पत्थर, धातु की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो स्त्री पुरुष पशु पक्षियों की हैं, जो अपने कलात्मक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। हाथ व चाक दोनों से निर्मित विभिन्न बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। विभिन्न आकार प्रकार की मुद्राएँ हमें प्राप्त हुई हैं। मुख्य रूप से हम देखें तो जो मुद्राएं हैं जिन्हें की मोहरें भी कहा जाता था, जो कि मिट्टी पत्थर की हमें की बनी हुई प्राप्त हुई हैं, उनमें हम देखें तो बैल है, गैंडा है, हाथी है, उस पर लिपि है विभिन्न प्रकार की और आकार प्रकार की हमें ये प्राप्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। सींगधारी तीन मुख वाले देवता के चित्र जिसकी पहचान शिव के रूप में की गई है, ऐसी भी हमें मोहरें मिली हैं। मोहरों का प्रयोग मुख्य रूप से व्यापार आदि के लिए किया जाता था और मोहर लगाकर किसी भी चीज को प्रमाणिक बनाने के लिए उसमें सिंधु घाटी की मोहर जो कहा जाता है मुद्रा पे वो मोहर लगाई जाती थी। इसी प्रकार से कांसे की भी मुद्राएं मिली हैं। कांसा मुख्य रूप से तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था, उसमें मूर्ति बनाने का उसमें प्रमुख रूप से उसका उपयोग किया जाता था, जिसमें हम देखें तो मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की और डांस करती हुई मुद्रा प्राप्त हुई है, स्त्री मुद्रा। इसी प्रकार से योगी की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है जो आज भी कराची के संग्रहालय में रखी हुई है। और ये जो मूर्ति है, कांसे की मूर्ति डांस करती हुई स्त्री की और योगी की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मुद्राओं और बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इससे पता चलता है कि उन लोगों को चित्रकारी और मोहर निर्माण कला की जानकारी थी। विभिन्न चीज़ों पर की गई लिपि से पता चलता है कि उन्हें लेखन कला की भी जानकारी थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उन्होंने अनेक हम देखें कि बहुत उन्नति की थी, जो कि अन्य समकालीन जो सभ्यताएं उनसे अधिक थी। तो लिपि को प्रकाश में अभी तक तो पूरी तरह से है ना लिपि को पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि लिपि में कभी बाएं से दाएं, कभी चित्र लिखी है, कभी प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, इस कारण से पूरी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। 1923 में पूरी लिपि को प्रकाश में लाने का कार्य प्रारंभ हुआ, परंतु अभी तक इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया। इसी तरह से हम देखें तो हमें कई ऐसी चीज़ें मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। तो लाल रंग पर काले रंग से चित्रकारी करते हुए अनेक मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। अधिकतर जो बर्तन हैं वो सामान रखने के कार्य आते थे, तो ये बर्तन बड़े आकार के भी मिले हैं। कई ऐसे बर्तन मिले हैं जो कि बड़े हॉल के अंदर उनको नीचे जो पैदा है उसको ज़मीन पर चिपका दिया जाता था, जिससे कि वो सामान वो हिले डुले नहीं और सामान उसमें इकट्ठा हो जाए। इसी तरह से हम देखें तो धौलावीर से हमें स्टेडियम, जलाशय जो कि बावड़ियाँ होती थी उसका भी हमें, जो कि चट्टानों को काट के बनाई गई थी, इसका भी निर्माण किया जाता था। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बड़ी उन्नति करी थी। और इसके अतिरिक्त ये जो सभ्यता थी ये व्यापार प्रधान
सभ्यता भी थी। तो यहाँ हमें छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे। सामान्य जो व्यवसाय करने वाले एक ही जगह पर निवास करते थे। व्यापार जो मुख्य रूप से हम देखें जल और स्थल दोनों ही मार्गों द्वारा किया जाता था। यहाँ के लोगों का जो व्यापार था वो सुमेरिया, ईरान, मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ होता था। इसका प्रमाण भी हमें मिला है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो सील है वो इन व्यापारिक देशों के साथ जो उसके संबंध हैं वहाँ से प्राप्त हुई है। भारत में लोथल में जल व्यापार का, जो कि उस समय गुजरात का जो लोथल क्षेत्र है वो जल व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहाँ से हमें नाव के चित्र वाली और जहाज के चित्र वाली मोहर हमें मिली है। गोदी, जिसको कि बंदरगाह कहा जाता है, के अवशेष भी हमें मिले हैं। तो जो व्यापार के बहुत बड़े प्रमाण हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में भारत का पश्चिमी देशों से नियमित समुद्री व्यापार था और आवागमन होता था। तो इस प्रकार से कला और व्यापार प्रधान सभ्यता थी और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने उन्नति की थी। धन्यवाद।